अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल चाल है यार? तूने पैसे कमाना तो सिखा दिए कि कैसे कैसे तरीके बाहर पैसे कमाने के। मुझे ये बताओ वहाँ पे खर्चे किस हिसाब से? ये ना हम आए और खर्चे हमारे आमदन से ज्यादा खर्चे हो। खर्चा कितना होगा रहने का और क्या इतना कमा भी पाएंगे? गिम्बल ले लिया है और मुझे चलाना नहीं आ रहा है। ओके, सो खर्चा कितना आएगा और क्या इतना कमा भी पाएंगे? तो सबसे पहले जो आपका खर्चा आएगा रहने के लिए वो होगी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में जो है वो पब्लिक अकोमोडेशन भी होती है और प्राइवेट भी होती है। जो पब्लिक होती है उसमें यूनिवर्सिटीज़ का एक इदारा जिसे स्टूडेंट इन वर्क कहते हैं उसके साथ होता है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ को अकोमोडेशन का निज़ाम नहीं करना पड़ता बल्कि स्टूडेंट इन वर्क सारा इस बात का ख्याल रखता है अकोमोडेशन का। लेकिन बड़े शहरों में स्टूडेंट इन वर्क में काफ़ी लंबी क्यू है। बर्लिन में इवन 18-18 महीने का वेटिंग टाइम है डोम में रूम मिलने का। तो फिर स्टूडेंट्स को प्राइवेट की तरफ जाना पड़ता है, शुरू में प्राइवेट्स की तरफ, फिर जब वो डोम पे डिपेंड करता है कोई सा अगर मेन सेंट्रल लोकेशन पे है तो उसमें वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है और साथ साथ वाले जो दूर होते हैं थोड़े से उनमें वेटिंग टाइम कम होता है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट 6 मंथ नहीं मिलता तो फर्स्ट 6 मंथ स्टूडेंट को प्राइवेट में रहना पड़ता है। तो प्राइवेट जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है और पब्लिक जो स्टूडेंट इन वर्क वाला है वो सस्ता होता है। तो वैसे ये स्टूडेंट इन वर्क, हम स्टूडेंट इन वर्क को डिस्कस करते हैं सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट इन वर्क है उसमें अब शेयर्ड रिहाइश भी होती है और सेपरेट भी होती है। जो शेयर्ड होती है वो नॉर्मली सस्ती होती है, नॉर्मली क्या होती सस्ती है, और जो प्राइवेट होती है वो महंगी होती है। तो अगर आप शेयर्ड में रहेंगे तो प्राइसेस वेरी करती हैं सिटी टू सिटी, 200 से लेके 400 तक प्राइस है। छोटे शहर में या छोटे जो टाउन है उसमें कम प्राइस होती है और जो बड़ा शहर है उसमें ज़्यादा। आल्सो फिर शहर के अंदर कौन सी लोकेशन है वो भी डिपेंड कर रहा होता है। तो हम इसकी एवरेज कॉस्ट ले लेते हैं 300 ले लेते हैं। तो इसका मतलब अकोमोडेशन पे आपका 300 जो है वो खर्च होगा। एक और मेजर एक्सपेंस जो कि जर्मनी में होता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो प्राइवेट भी होती है और पब्लिक भी होती है। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को प्रेफर रिकमेंड किया जाता है वो है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। और प्राइवेट एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट में फिर वो पैसे रीइंबर्स करना सुना है मसला हो जाता है। लेकिन और आल्सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि कहती हैं कि हमें पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही शो करो शुरू में जब आपका एडमिशन होता है, तो फिर आपको एनरोलमेंट लेटर देती हैं, मतलब उनकी कंडीशन होती है। तो या कुछ स्टूडेंट प्राइवेट भी यूज़ करते हैं और कुछ ज़्यादातर जो हैं वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ करते हैं। और मैं भी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ करता हूँ। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का लगाते हैं कॉस्ट, तो ये जो कॉस्ट है पर मंथ वो है 110 यूरो। वो 110 यूरो ये थे, अब जो हैं वो बढ़ गए हैं। मुझे अभी एक लेटर आया हुआ था, ये लेटर कह रहा है कि अब आपके 110 यूरो पर मंथ नहीं कटेंगे बल्कि 120 यूरो पर मंथ कटेंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो या हेल्थ इंश्योरेंस के काउंट कर लेते हैं 120 यूरो। एक्सपेंसेस की लिस्ट को लंबी नहीं है, मुझे सिर्फ 2 मिनट और दें, मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। तो इसके बाद जो है आपके पास ग्रोसरी का खर्चा आता है, मतलब खाने पीने का, और अगर बाहर से खाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। एक टाइम का लंच या डिनर आपको 10 से 20 यूरो में पड़ सकता है। दैट्स व्हाई वी ऑल प्रेफर टू कुक एट होम और घर पर ही खाओ। तो उसमें खर्चा आता है नॉर्मली 130 यूरो, उसका लगा लें डिपेंडिंग ऑन द सिटी एवरेज प्राइस 130 यूरो, जो कि आपका ग्रोसरी वगैरह का खर्च होगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप बाहर भी खा लेंगे 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो इसको 150 आप कर लें, ग्रोसरी का खर्चा 150 कर लें। इसके अलावा खर्चे में आपका फ़ोन इंटरनेट जो है उसका खर्चा आ सकता है, जिसमें मतलब जहाँ आप अकोमोडेशन में रहेंगे वहाँ तो इंटरनेट होगा, आल्सो इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, गैस भी अगर हुई तो उसका जो पैसे हैं वो सारे उसी में शामिल होते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करते बल्कि बिल वगैरह हर चीज़ उसी में काउंट होते हैं, जो हम 300 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। और फ़ोन इंटरनेट के आप 10 यूरो लगा लें, मोबाइल इंटरनेट जो है वो सिंस आप ट्रांसपोर्ट वगैरह में जाते हो और वो मैप वगैरह देखते हो तो उसके लिए हल्का फुल्का इंटरनेट चाहिए, तो 10 यूरो उसके लगा लें। इसके अलावा 20 यूरो और लगा लें मिस क्लिनशियस में, पता नहीं लफ्ज़ ठीक है यानी, खैर लॉन्ड्री करते हो आप, सोप वगैरह लेते हो, टूथब्रश लेते हो, तो उसके आप 20 यूरो लगा लें। और ये हो गया। और इसके अलावा जो है एक और चीज़, वो आपके यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन फ़ी, अगरचे वो आपको 6 महीने बाद देनी होती है और एवरेज कॉस्ट जो है वो 300 है, वैसे डिपेंडिंग ऑन द सिटी 200 भी होती है 400 भी होती है, तो 300 वो एवरेज ले लेते हैं। तो 300 को हम 6 पे डिवाइड करें तो 50 यूरो पर मंथ बनते हैं। तो 50 यूरो वो भी ऐड कर लें आपके मंथली एक्सपेंसेस में, तो जो टोटल कॉस्ट बन गई वो ये है, मतलब इतना खर्चा आपका आएगा जर्मनी में यहाँ रहने का। और ये एज ए स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी डबल हो जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन डबल हो जाएगी आपकी पब्लिक इंश्योरेंस।
जो 30 साल से कम होते हैं उनको पब्लिक इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। और मतलब होती तो है चॉइस प्राइवेट में, लेकिन रिकमेंडेड प्राइवेट है और रिकमेंडेड पब्लिक है। और इसमें जो अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपकी ये कॉस्ट भी तकरीबन डबल हो जाएगी। आल्सो अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपकी जो अकोमोडेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये जो सारी कॉस्ट थी जो कैलकुलेट करके ये वाली, तो ये स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो या दैट वाज इट। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कमा कितने सकते हैं तो वो तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये देख लें और ये आपको एंड पे मिल जाएगी। तो या दैट वाज इट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कोई लाइक कर दें और कॉमेंट कर दें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।